हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दोस्तों, क्योंकि मेरा घर जो है बिल्कुल मेन रोड पर होने की वजह से डस्ट बहुत ज्यादा लग रही है घर में और काफी गंदगी हो गई है सर्दियों की वजह से। बाहर थोड़ा सा धूप न आने की वजह से मेरी धुलाई वगैरह कुछ कम हो जाती है, लेकिन आज से मैं उसे फिर से धोना शुरू कर रही हूँ। तो सोचा सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ कि उसकी मैं सफाई करती हूँ, बाहर धो दूं, क्योंकि बाहर गंदा होने की वजह से अंदर तक पूरा चप्पल में जो लगकर गंदगी आती है वो आनी शुरू हो जाती है। तो सोचा चलिए आप लोगों के साथ मैं यही शेयर कर लेती हूँ, आज अपना क्लीनिंग डे। और चलिए तो शुरू हो जाते हैं। उसमें एक लंबा टाइम लगना है और कम से कम 2 से 2.5 घंटे मानकर चलिए, क्योंकि बाहर जो मेरा एरिया है वो काफी खुला हुआ है। ऊपर वाला बरामदा और नीचे वाला बरामदा दोनों ही धोने हैं आज, तो जितना पॉसिबल हो सकेगा करके देखती हूँ। और मेरे पास कोई हेल्पर ना होने की वजह से ये काम मुझे खुद ही करना पड़ता है, अपना थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ता है बाकी चीजों में, और इस तरीके से ही मेरी क्लीनिंग हो पाती है। और एक दूसरी चीज ये भी होती है कि अपने हाथ की सफाई तो अपने हाथ की ही होती है, मालूम होता है कि झाड़ू कैसी लगी है, पोछा कैसा लगा है, तो उसे हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो चलते हैं और लग जाते हैं क्लीनिंग पर। यहाँ पर मैं अंदर से झाड़ू लगाते हुए बाहर की तरफ आ चुकी हूँ। तो ये मेरा बाहर वाला एरिया है जो कि इस तरह से सीमेंट का है, और यहाँ पर कूड़ा मैंने इकट्ठा कर लिया है, पॉलीथीन बैग में भर के बाहर रख दूँगी घर से। बारी है पोछे की, तो अब मैंने पोछे को अपने ऊपर समेट लिया है जो शलवार के पोछे हैं, ताकि शलवार फंस ना पाए। और यहाँ पर मैंने पोछे को लगाना शुरू कर दिया। ये थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि सामान काफ़ी रखा हुआ है, डाइनिंग टेबल की चेयर्स हैं, इसके अलावा एक दो एक्स्ट्रा चेयर्स हैं, उनको खिसका कर ही पोछा लग पाता है, और बेड साइड में पड़ा हुआ है लक्ष्य का। तो यहाँ पर पोछा लगाते हुए मैं आ चुकी हूँ बाहर, और अब झाड़ू के बाद है बाहर की धुलाई का मौका। तो यहाँ पर मैं पानी भरती हूँ बाल्टी में, और बाल्टी से पानी फोर्स के साथ फर्श पर फैलाते हुए उसके बाद मैं वाइपर चलाती हूँ जिससे सारी डस्ट निकल जाए, और उसके साथ जमी हुई जो काई होती है वो भी काफ़ी हद तक निकल जाती है। तो बस यहाँ पर ऊपर वाले वरांडे की तरफ से मैं धोकर इस तरफ नीचे की तरफ आ चुकी हूँ, और इस तरफ जो दूसरा नल मेरे घर में लगा हुआ है उसी नल से मैं फिर से बाल्टी को भर रही हूँ। और ये शलवार का जो पोछा मुझे परेशान कर रहा था उसे मैंने, अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी ऊपर की तरफ कर रखा है। और इसके बाद मैं इधर गेट की तरफ से धुलाई करना शुरू करूँगी। तो ये जितनी मिट्टी इसमें गेट के ऊपर आ चुकी होती है ये सारा पानी के साथ मैं नीचे की तरफ लाऊँगी। हालांकि ये प्रोसेस पूरा करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है बाल्टी भर भर के डालने में, लेकिन मिट्टी सारी निकल जाती है खूब अच्छी तरीके से, तो इसलिए मैं इसको धुलाई करती हूँ। और ये धुलाई मेरी वीकली होती है, या बहुत काफ़ी दिन लेट हो गई तो 10 दिन पर मुझे करना ही पड़ता है। और कोशिश रहती है मेरी कि हर हफ्ते एक बार तो पूरे घर की बाहर धुलाई हो जाए जिससे कि मिट्टी अधिक जमा ना हो। और यहाँ क्लीन करने के बाद मुझे जो कपड़ों का स्टैंड होता है उसे भी फैलाना होता है ताकि कपड़े साफ़ जगह पर फैल कर सूखें। और यहाँ सबसे पहले सुबह सुबह धूप आ जाती है, तो इसीलिए मैं इधर सफाई करके और फिर कपड़े फैलाना पसंद करती हूँ। पानी ले जाकर मैंने पीछे की तरफ जो गमले, छोटे गमले रखे हुए हैं उसमें जो 2-3 महीने में घास जमा हो जाते हैं या इस तरह के पौधे जमा हो जाते हैं उसमें भी पानी डाल दिया है जिससे कि मिट्टी लूज़ हो जाए, और बाद में मैं उन पौधों को उखाड़ दूँगी और उसकी भी सफाई हो जाएगी। क्योंकि पिछले 1 महीने से तो जो एक्स्ट्रा पौधे उसमें छोटे छोटे निकल रहे थे उनकी सफाई भी नहीं हुई है। तो इस तरीके से मैंने पहले गमलों में पानी डाल दिया, उसके बाद पूरा पानी ऊपर की साइड से फैला कर नीचे निकाल दूँगी, और बीच में जो नाली है उससे ये पानी सारा बाहर की नाली में चला जाता है। तो ये वाइपर मुझे साथ साथ पानी के साथ चलाना पड़ता है, लेकिन सूखने के बाद काफ़ी मिट्टी निकल कर क्लीन लग रहा होता है। तो अभी तक मैंने कोई अपना साफ़ सफाई का या नहाने का काम भी नहीं किया इसीलिए, क्योंकि बहुत सारा जब सफाई हो जाती है उसके बाद नहा कर बैठना ठीक लगता है। तो फिलहाल अभी कपड़े भी धोए जाएंगे, तो इस वजह से मैंने स्टैंड खोल कर अपना रख दिया है, डाल दिया है धूप में, और ये वाला कोना सूख ही जाएगा। तो कपड़ों का स्टैंड भी मैंने डाल दिया, और साथ के साथ इसके कोने को और पानी डालकर जो कोने की तरफ से बचा है उसे धो दूंगी। और इस तरफ का फर्श भी थोड़ा सा
ये टूटा हुआ सा जो लग रहा है, ये सीमेंट का इसमें सीवर लाइन डाली गई थी, तब से ये इसी तरीके से बना हुआ है, कच्चा ही छोड़ दिया गया था क्योंकि आगे बनाने का कुछ इसमें प्लान नहीं बन पाया अभी तक। और एक ये भी होता है कि आपका फ़र्श अगर कच्चा रहता है तो एक तरह से ज़मीन के लिए भी अच्छा होता है, अगर आप ऊपर कोई टाइल लगवा देंगे या कुछ और पक्का करवा दिया तो मिट्टी को उस हिसाब से फ़ायदा भी नहीं होता है, पानी मिट्टी में जाता है, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आपका कच्चा फर्श रहे और उस तरीके से जो पेड़ पौधे होते हैं उनको पानी मिलता रहता है और मिट्टी के लिए ठीक रहता है। और अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ये लोग बैठे हुए हैं, सूख चुका है, तो लक्ष्य और कबीर हैं और थोड़ा कुछ इनका सीक्रेट चल रहा है बातचीत। और यहाँ पर मेरी धुलाई पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने ये थोड़ा सा जो खाना बनना है, सब्जी का डिटेल चल रहा था वो भी निकाल कर रख दिया है कि मैं नहा कर आऊँगी, नहा कर आने के बाद मैं धूप में बैठकर ही सब्जी काट लूँगी और जो बीच में एक दो पॉइंट कुछ बात होती है वो भी थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेने के बहाने काम बात पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमारी बातचीत हो रही थी और धूप भी ली जा रही थी और बस अब नहाने का वक्त हो रहा है तो मैं जाऊँगी और नहाने के बाद फिर किचन में मिलते हैं। बस मैं वो क्रीम लगा रही हूँ नीविया की जो पहले दिखा चुकी हूँ आप लोगों को, वही मैंने सिर्फ लगाई है और नहाकर निकली हूँ। और अब कुछ तो अभी मैं हूँ किचन में और किचन में मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्जी। तो हमेशा ही जैसा आपको बता रखा है मैंने, लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करती हूँ, तो लोहे की कढ़ाई को मैं हमेशा एक बार धोती हूँ और जरूरत पड़ भी जाती है क्योंकि ये है लोहे की कढ़ाई और उसमें जो थोड़ा सा जंग आ जाता है उसे हमें मांझ कर धो ही लेना पड़ता है। तो इसे मैंने रखा है अभी गैस पर और फटाफट से बताती हूँ कि इसमें मैं क्या डालने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने ये छोटा सा एक प्याज काटा है और हरा मिर्च मेरे पास नहीं था, लहसुन की कली ली है, 3 से 4 ये काट ली है, आलू थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, बाकी ये गोभी मैंने पानी में डाला हुआ है धोकर क्योंकि गर्मी शुरू हो गई तो थोड़ा सा सूखने लगा और ये कुछ दिन पुराना भी गोभी का फूल हो गया था, इस वजह से मैं इसे पानी में डालकर नहाने चली गई थी ताकि लौट कर आऊं तो ये थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब कर चुका हो। तो चलिए जब तक हमारा ये कढ़ाई सूख रही है तब तक मैं निकालती हूँ कुछ मसाले और मसालों में डालूंगी सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक। और हरा धनिया भी शायद मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने कबीर को बोला था लाने के लिए, पर वो हमेशा यही होता है जब आना होता है एक तो मेरे आइटम भूल जाते हैं लाते हुए। और मसाले मैं इधर एक मेरी छोटी सी ऊपर स्लैब जो बनी है उस पर ही रख लेती हूँ, छोटे छोटे जो जरूरत के सामान होते हैं, किचन मेरा काफी छोटा होने की वजह से, तो मसाले मैं इससे डालूंगी। ये प्लेटफॉर्म मेरा बड़ा होने की वजह से मुझे काफी हेल्प मिल जाती है, जो गैस का प्लेटफॉर्म है, मेरी गैस का प्लेटफॉर्म लंबा चौड़ा है थोड़ा सा और ये पुरानी भी हो गई है काफी, तो इसमें कुछ काम कराने को भी हो चुका है, थोड़ा काम कराना है इस गैस में, या तो काम कराऊंगी या फिर गैस का चूल्हा ही मुझे चेंज करना पड़ेगा, देखूंगी क्या है, लेकिन कभी टाइम नहीं निकाल पाते हैं अपने काम की वजह से, इस वजह से मेरा ये चलता रहता है टूटा फूटा आइटम, कई सारी चीजें आजकल टूट रखी है किचन में और जिनको लेकर मैं रिपेयरिंग वाले जो काम होते हैं जैसे कि चाय के बर्तन का हैंडल टूट चुका है और टूटे हुए उसे शायद लमसम 1 से 1.5 महीना हो चुका है लेकिन अभी तक उस हैंडल को भी ठीक नहीं कराया गया है, या तो मैं जाऊं या फिर कभी या कभी दोनों, लेकिन हमेशा कुछ चीजें भूल जाती हैं, माइंड में स्किप हो जाती हैं और लक्ष्य के काम बीच में आ रहे हैं, लक्ष्य कुछ जॉब को लेकर प्रॉब्लम्स रहते हैं तो होता है, बेटे पर ध्यान दिया जाए घर की घरेलू चीजों में, इस वजह से माइंड डाइवर्ट हो जाता है थोड़ा सा है। तो चलिए हमारी कढ़ाई का पानी जो है सूख गया है और मैं डायरेक्ट इस बॉटल से जो ऑयल लेती हूँ सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ सब्जी में, ये वाला है, मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था क्योंकि कुछ मैं सामान ऑनलाइन लेती हूँ और कुछ पास के ही स्टोर में जाकर लेती हूँ, तो ये धारा का कच्ची घानी तेल यूज कर रही हूँ और ये मैंने 2-2.5 चम्मच लिया है बड़ा चम्मच तेल का, तो इसे गर्म हो जाने देते हैं और साथ ही निकाल लूंगी मैं इसमें हींग जीरा, तड़के के लिए हींग जीरा भी थोड़ा सा डालूंगी
और आप चाहे तो कसूरी मेथी डाल सकते हैं। मैं कसूरी मेथी इस वक्त मैंने निकाल नहीं रखी है, तो वैसे कसूरी मेथी डालती हूँ लेकिन आज नहीं डालूंगी मैं, फटाफट से काफी लेट हो चुकी हूँ इसलिए सब्जी बनाना चाहती हूँ और लक्ष्य को लग रही है भूख, तो मैंने बोला है या तो मैं सूखी सब्जी बनाकर रोटी दूंगी या फिर इसके साथ ही पराठे दूंगी। और मेरा दिल जो कर रहा था वो था कि इसके साथ में जो छिलके वाली हरी दाल आती है मूंग दाल, वो मुझे बहुत पसंद है, वो बनाना चाहती थी लेकिन चांसेस थोड़े से कम हैं। तो मैंने अभी जो मैं गई अंदर, लक्ष्य अपनी थोड़ा स्टडी की तैयारी जो करते रहते बैठे बैठे, उस बीच ही मेरी जो उनसे बात हो पाती है, बेटा है तो इतना तो करना ही पड़ता है और फिर खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, तैयारी नहीं होती, तो मैं इसलिए छोटा छोटा चीज जो भी होती है उसके पेट में पहुंच जाए थोड़ा सा कि हाँ जल्दी भूख नहीं लगे। सुबह मैंने ब्रेड बटर का नाश्ता करा दिया था क्योंकि मेरे क्लीनिंग के काम चल रहे थे। तो चलिए तेल हो चुका है, तेल में मैं डाल दूंगी, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये 1/4 ये छोटे वाले चम्मच है जीरा, और इसमें मैं डाल दूंगी ये हींग, एक पिंच हींग, और कटा हुआ लहसुन प्याज, और कटे हुए लहसुन प्याज को मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देती हूँ, उसमें थोड़ा सा खुद के ऊपर आती है तो बचाना पड़ता है। और मेरे बनाने के बाद भी जैकेट कोई पहन लिया, ज्यादातर मैं तीन ही कपड़े पहनती हूँ किचन के पर्पज से, और ये जैकेट तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो वैसे किचन में छिटकी आ रही है या कुछ साफ सफाई के वक्त लग जाता है, तो मैं किचन में पहनने के लिए कितनी बार जाना होता है दूसरे शॉल या स्वेटर ले लेती हूँ, लेकिन इसमें मेरे तीन कपड़े ही रहते हैं, एक ये वाला और एक इसके नीचे, क्योंकि ठंडा हो रहा है सुबह शाम का इतना, ये वाला स्वेटर ग्रे कलर का है, ये स्वेटर इसको डालती हूँ, या फिर जो लाइट ग्रीन स्वेटर आपको कभी कभी दिखा होगा तो लाइट ग्रीन कलर का स्वेटर है उसे पहन लेती हूँ। ऐसे बस कुछ कपड़े यहाँ अलग कर लेती हूँ जिससे कि बार बार गंदे ना होने पाए और जल्दी सूखते नहीं है, जल्दी से जैसे मैंने बताया था पहले भी मेरे पोर्शन में धूप कम आती, सबसे बड़ी समस्या है थोड़ी सी धूप, कोई बात नहीं आ गए तो आ जाइए कोई बात नहीं। तो धूप की समस्या मैं बता रही थी आप लोगों को कि धूप की समस्या थोड़ा लेट आती है और जल्दी चली जाती है, जिस वजह से कपड़े नहीं सूख पाते हैं और उन्हें मुझे एक से डेढ़ लगता है, अब दिन बड़ा हो रहा है तो शायद जल्दी सूख जाए। तो प्याज हमारा हो चुका है गोल्डन ब्राउन और मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच के करीब हल्दी, और ये धनिया कम ही है पूरा पड़ जाएगा इसको पूरा डाल देती हूँ, ये इस तरह से धनिया और लाल मिर्च पाउडर, मिर्च थोड़ा सा कम डालूंगी, गरम मसाला, बस ये मेरे सारे मसाले हो गए, इनको कुछ सेकंड के लिए मुझे सौते करना है तेल में, जल्दी फ्राई हो जाते हैं, बस इसके बाद में डाल दूंगी कटा हुआ ये पूरा आलू, मैंने आलू इसमें डाल दिया है, कैमरा शायद मैंने गलत कर दिया क्योंकि आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम होगी कि मैं कैसे कर रही हूँ, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइम में कहाँ देखते हैं, इस वक्त कैमरा समझ में आ रहा है मुझे काफ़ी कम तक। और ये रहा मेरा नमक, इसलिए कि मुझे मैं एक चम्मच भर के नमक, ये नमक ज़्यादा तेज नहीं है तो मैं इसे भर के डाल सकती हूँ, इसलिए इस तरीके से सब्जी बना ली है मैंने, और दाल भी मैंने कुकर में धोकर रखी है, तो इसमें सिर्फ हल्दी नमक मिर्च डालना है मुझे, तो मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी हल्दी, सभी घरों में इसी तरीके से बनती है, तो सेम चीज सोचा चलो दाल बना ही दी जाती है, क्योंकि मैंने घर में जो पूछा तो सबका खाने का दिन हो गया, कुछ हल्का भी हो जाता है, और ये मैं मूंग की दाल बना रही हूँ, इसमें मैं कभी तड़का ऊपर से बाद में लगाती हूँ, कभी मेरे पास थोड़ा जल्दी है तो मैं पहले ही लगा देती हूँ ताकि इसमें विसल आने के बाद सीधे मैं इसे सर्व कर सकूँ, तो इसमें दो सीटी लगा लेती हूँ, और सब्जी हटाकर मैं इसी पर सब्जी
सब्जी मेरी बन चुकी है हींग जीरे का। और आप चाहें तो इसमें छोटी सी एक लौंग डाल सकते हैं, कभी कभी मैं लौंग भी डाल देती हूँ हरी वाली दाल में, जो हरी मूंग छिलके वाली मूंग दाल होती है। लेकिन तो चमचा मेरा गरम हो चुका है ये, और इसमें मैं डालूंगी जब जल्दी होती है ना तो घी वगैरह भी जल्दी जल्दी गर्म नहीं होता, टाइम लगा देता है, तो ये भी वैसे ही कर रहा है बस। ये मैंने चम्मच में पहले से घी निकाल कर रख लिया था, तो ये रहा, ये बचा खचा घी भी इसमें जाएगा। इसलिए जीरे को इतना करना चाहिए कि जीरा हमारा जलने ना पाए तो अच्छा लगता है, जल जाता है तो फिर दाल का वो टेस्ट नहीं लगता। तो बस मैंने चमचे को इस तरीके से, और ये पीतल का चमचा है, लोहे का भी है पर मुझे यही पसंद है ज़्यादातर, इसमें मैंने डाला ये जीरा, ये डाल दी मैंने हींग, और इसको मैं तड़का लूंगी। तड़काने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है ये हींग, इसे आप बाद में भी लगा सकते हैं, कभी कभी मूड के ऊपर है कि मैं बाद में भी लगा लेती हूँ, आज मैंने थोड़ा सा पहले ही इसमें तड़का लगा दिया है। कबीर को पहले लगा हुआ तड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप अभी क्योंकि मेरे आसपास नहीं है तो मैंने लगा लिया है, और अगर पास होते तो उनके सामने दो चीजें मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, एक तो दाल में पहले तड़का नहीं लगा सकती, दूसरी चीज किसी दाल को अगर गाढ़ी हो गई है सब्जी और मुझे लगता है कि वो कम हो रही है तो उसमें पानी नहीं डाल सकती, और कभी कभी मुझे ऐसा करना होता है। फ्रेंड्स खाना तैयार है, मैं जा रही हूँ खाना खाने, आप लोग भी खा लीजिए। दाल, दाल में घी डाला है, हमारे यहाँ घी जरूर खाया जाता है दाल में डालकर, सर्दियों में जरूरी होता है तो इसलिए सर्दियों में जरूर डाल देती हूँ, और उसका मजा भी तभी आता है जब आप घी डालते हैं दाल में। तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए, खाना तैयार है, तो जाती हूँ खाती हूँ। तो दोस्तों खाने के साथ ही मेरा आज का व्लॉग यहीं पर मैं समाप्त करना चाहती हूँ, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।